बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली के AIIMS अस्पताल में निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थी। उनकी आवाज में गाए गए छठ के गीत खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहद लोकप्रिय रहे थे और छठ पूजा के पहले दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज यानी बुधवार को सुबह उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे उनका शव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, जहां से उन्हें अंतिम दर्शन के लिए पटना स्थित उनके घर ले जाया जाएगा। दोपहर 12 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा। शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल यानी गुरुवार सुबह 8 बजे गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दिल्ली के AIIMS अस्पताल ने बताया कि शारदा सिन्हा का निधन सेप्टिसीमिया यानी ब्लड इन्फेक्शन के कारण हुआ। 26 अक्टूबर को उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 3 नवंबर को उनकी हालत में सुधार हुआ था और उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन 4 नवंबर की शाम उनके ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत कई दशकों से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। महापर्व छठ से जुड़े उनके गीतों की गूंज हमेशा जीवित रहेगी। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा, ये हमारे परिवार के लिए गहरी शोक की घड़ी है, लेकिन माँ तो सबकी थी। जितना दुख मुझे हो रहा है उतना ही दुख सभी को होगा। छठ पूजा के समय हमें वह छोड़कर चली गई, लेकिन उनका नाम और उनकी आवाज़ हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।